आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो राजस्थान के टोंक से है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद बड़ा बवाल भी देखने को मिल रहा है। पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद बवाल चौतरफा देखा गया। जो नाराज नरेश मीणा के समर्थक हुए उन्होंने सड़कों पर पहुंचकर जाम लगा दिया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई और ऐसे में पुलिस जब पहुंची हालात को सामान्य करने के लिए तो फिर यहां से वो चीजें हटाई भी गई जो कि रोड जाम करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जैसे टायर जला दिए गए या कुछ कटीले तार बिछा दिए गए या बड़े बड़े सीमेंटेड बोल्डर्स रख दिए गए। देखिए पहले तो आग बुझाना एक बड़ी चुनौती रहा, यहाँ पुलिस की टीम पहुंची, रेत से, बालू से, पानी से आग बुझाने की कोशिश हुई और फिर उसके बाद में जलते हुए टायर हाईवे से हटाए गए ताकि सड़कों को बहाल किया जा सके, यातायात यहाँ से गुजर सके। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद ही ये सभी जो समर्थक हैं उनके जरिए बवाल काटा गया। दरअसल SDM को थप्पड़ मार दिया था नरेश मीणा ने कल, और इसी के बाद से ये जो बवाल की स्थिति है, टकराव की स्थिति है, बढ़ती चली गई और आज इन हालातों के बीच में नरेश मीणा की हो गई है गिरफ्तारी। SDM पर हाथ उठाने का आरोप और अब साथ ही साथ कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी नरेश मीणा पर लगा, निर्दलीय उम्मीदवार। और बताया जा रहा है कि जो स्थिति बवाल की हुई उसमें समर्थकों का बड़ा हाथ रहा और नरेश मीणा का सपोर्ट रहा। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, एक SDM को थप्पड़ मारने वाला ये वीडियो आप देख रहे हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा आपको नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां पर पुलिस ने नरेश मीणा को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी के बाद से ही समर्थक भड़के हुए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ SDM को चांटा मारते हुए, यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की तस्वीरें हैं, राजस्थान के टोंक से तस्वीरें सामने आई। और दूसरी तरफ जहां नरेश मीणा की हुई गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने कानून हाथ में लेकर सड़कों पर बवाल किया, सड़कों पर आगजनी की, तोड़फोड़ की और अब एहतियातन जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं। नरेश मीणा ने पहले खुद भी अनैतिक काम किया SDM को थप्पड़ मारकर और कानून हाथ में लेकर, कानून के साथ खिलवाड़ करके, और फिर अपने बाद में अपने समर्थकों को उकसाया, भड़काया, जिसके बाद समर्थक सड़कों पर बड़ी संख्या में आ गए और आज बड़ी चैलेंजिंग ये सिचुएशन बनी हुई है जहां पर कानून व्यवस्था को बेहतर रखना है, लॉ एंड ऑर्डर को बहाल भी करना है और हालात को सामान्य करना भी है, क्योंकि जहां हाईवे जाम किया गया वहां से लोग रोजाना बड़ी संख्या में गुजरते हैं, ऐसे में हाईवे खाली कराया गया और फिर हालात सामान्य करने की हर कोशिश है। देवली टोंक उनियारा हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनकी तरफ से यहां पर जो जाम है वो लगा दिया गया है। बाकायदा आप देख सकते हैं जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी हों या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर STF फोर्सेस हो, वो तमाम फोर्सेज यहां पर मौजूद हैं और जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप किसी भी तरीके से घरों से बाहर नहीं निकले, कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले। देख सकते हैं किस तरीके से जो बड़ी संख्या में STF फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद है और मेरे पीछे जो आप ये गोलियों की आवाज़ सुन रहे हैं ये गोलियों की आवाज़ नहीं बल्कि आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो इलाका है वो पूरी तरीके से छावनी में जो तब्दील है वो यहाँ पर कर दिया गया, आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो तमाम आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था उसके बाद लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज़, टोंक।